जो मैं 3:30 बजे आया वेख्या बाहर दरवाजा जहाँ खुला पिया वा, तो जो मैं अंदर वेख्या अंदर का भी एक दरवाजा खुला पिया वा, तो मैं छेती छेती फिर जो लागे बंदे से 3 बजे उन्होंने उठा लिया। मैं इतनी जो तो वेख्या कि चोरी हो गई जापी, वेख्या गोल घर नहीं, फिर सारा वेख्या कोई होर चीज़ गुम नहीं हुई। फिर उस बाद फिर फोन किया प्रधान साहब ने भी साढ़े साहब गुरदस्ता चोरी हो गई है। फिर 10 मिनटों बाद भी आ गए आ। फिर सब तो पहला जो सा एक मुलाजम पुलिस वाला होंगे उन्होंने आंदे मैं पहले दस्या भी इस तरह साढ़े गुरद्वारे चोरी हो गई है, गोल चुकी गई है, ताले टुटे ने। फिर उन्होंने वीडियो कढ़ाई गई है तो वीडियो भी सामने आई है, गोल जिस तरह उन्होंने खड़ी है जिस तरह उन्हें सड़क लैके गए है। जिस तरह चोरी हुई है घटना हुई है जे बाई चांस बेअदबी कर दिता इतने तो सुनते भी भई है, उन्हें प्रधान साहब ने सू कहा कि भइए सुनते हैं जे बाई चांस बेअदबी कर दिता कितने दोष गिनते गिने जाते होर गिने की कहना चाहते हो? हाँ जी, असं ना पिंड वाले बहुत बेनती की है, स्पीकर जी बोलिया आन के पहरा दो, तो पिंड का कोई साथ नहीं देता। ये जरूरी भी हम कमेटी की ज ग्रंथी जोड़ी सारे पिंड की जिम्मेवारी बनती है, तो इस करके अगों ही ख्याल रखा कोई बंदा भावें तनखा दे के जिस तरह पैसे दे के वो रखा, ये हाँ दूजी बारी वारदात हो गई है। की मांग करते हो चोर वास्ते? मांग तो यही है जेकर फड़े जाने तो बाद सजा दी जाए, यहोजा कोई काम जरा अगों की कार्रवाई ना हो। जो सवेरे आए हैं बाबा जी खड़े ने, वो कहते हैं कि जो मैं आन के दरवाजा देखता है तो मैं सोचता कि वह पहला आ गए ने, इन्होंने दरवाजा खोल दिता है, पर वो कहते जो मैं अंदर जा के देखिया ना कि सामने मेरा गुलक पर ध्यान पिया तो गुलक नहीं सी है। फिर उस तो बाद असं आ जाने, वो सानू दस देंगे ने, मेरे हस्बैंड मुलाजम ने, वो कहते हैं कोई नहीं बाबा जी आप गल कर लें, आप महाराज का प्रकाश करिए। फिर आप महाराज का प्रकाश किया तो नितनेम करके चले। किस तरह चोरी हुई है? कोई ताला तोड़िया गया? हाँ जी हाँ जी, ताले नहीं, तालियां के कुंडे ही पुटे दिते ने। हाँ कुंडे पुट के खड़ी गई। नहीं नहीं भैया सौंदे ने, भैया सौंदे ने, वो कहते हैं कि 11:30 बजे तक अं इशनान किया है, उस तो बाद अपने कपड़े भी धोते ने, कपड़े धोने बाद सानू नींद आ गई, असं थके से सानू कोई पता नहीं चले। ये वीर जी जी गुरुद्वारे की घटना मैं साड़ी ये बहुत माड़ी गल है, जिहड़ी गुरु घरों गोलक चुकनी है ना, जिन अज ये गोलक मोढ़ियां ते रखी है ये लेखा महाराज ने उहदे कोलों लैणा है। घर असीं आने इत्थे भी हुंदियां सारे इन्हां नूं फड़ के जिन्नी भी सज़ा इन्हां नूं दित्ती जाए ना वो थोड़ी है, जिहड़ी एक गुरु घर दे विचों नहीं मुड़दे पे तो बाहर की करदे होणगे। साडी इहो ही मंग है भी इह जिहड़े चोर ने फड़े जाने चाहीदे ने, इन्हां नूं जिन्नी भी सज़ा दित्ती जाए ना वो थोड़ी है। कैमरे च आया कोई इन्हां दा? इह कैमरे जे तुरे जांदे जिहड़े ने बाहर दुकानां ते लब्भे ने सानूं, ठीक है ना। पर इन्हां दे मूंह नहीं, एक ने सिर ते परना बद्धे, एक ने मोढे ते चुकी हुई है, तो अं भी है तो ये लागो चौगो नहीं, कोई दूरों नहीं आ रहे, पहचान नहीं है उन्होंने। जिस बंदी ने गुरद्वारा साहब खा रहे हैं उतों पता लगा कि उतों गोलक चोरी हुई है। एक इतने गुरद्वारा मंदिर आए हैं श्री राम मंदिर के, एक इतों गोलक चोरी हुई है, वो संबंधी असी सीसीटीवी कैमरे जोड़े देख रहे हैं आस पास के, तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि चोरों को ट्रेस करके तो जल्द तो जल्द उन्होंने सलाखों के पिछले रही है। पर गोलकों के कोई ज़्यादा चढ़ावा तो नहीं, कितना कुछ है? डेफिनेटली जी इन्होंने हुण इन्हां दे प्रधान उन्हां दे दसन मुताबक क्या खारे वाले दे ते कोई 500-700 रुपया कहिंदे आ, इह कहिंदे आ कोई 3-4 हज़ार रुपया मतलब सी। कोई शूटिंग दे चुआया तो उन्हां दा चेहरा सामने दे? नहीं ऐसा अच्छा जे तक असीं कैमरे चैक किए आ डायरैक्टली चेहरा कोई नहीं आया जी, तो अगे कार्रवाई करते हैं जी, जिहड़े पॉसीबल चोर आ उन्हां नूं असीं ट्रेस आउट करके तो उन्हां तों पुछगिछ करते हैं।